हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे हो आप सब। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ की मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इजीली फाइंड कर सकते थे ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाय द गॉस थ्योरम, बाय द गॉस लॉ। बिल्कुल वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ भी एक हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड है जिसकी मदद से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट काइंड ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशंस। ओके, तो चलिए पहले इसकी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट और लूप इज ऑलवेज म्यू नॉट टाइम्स, व्हाट इज म्यू नॉट, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द गिवन क्लोज्ड लूप। सो ये तो ही स्टेटमेंट किसकी, एम्पियर सर्किटल लॉ की। एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये हमारा हुआ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज्ड कर्व। सो दिस इज द क्लोज्ड कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज कर्व और सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज सर्किट और द गिवन सर्किट। मान लीजिए मेरे पास ये एक क्लोज लूप है या क्लोज कर्व है। ठीक है, अब इस क्लोज सरफेस पे यहां पर तीन वायर हैं। दिस इज वायर नंबर वन, दिस इज वायर नंबर टू एंड दिस इज वायर नंबर थ्री। जो वायर नंबर वन है यहां पर करंट I1 आ रहा है आउटवर्ड, इट इज कमिंग आउटवर्ड। इन वायर नंबर टू द करंट इज गोइंग इनवर्ड एंड इन वायर नंबर थ्री करंट इज कमिंग आउटवर्ड। ठीक है, जो डॉट है ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि करंट जो है वो आउटवर्ड आ रहा है, करंट इज कमिंग आउटवर्ड। और जहां पर मैंने क्रॉस लगाया है इसका मतलब है करंट जो है वो इनवर्ड है। अब आप याद रखिए जब करंट सरफेस में से आउटवर्ड आएगा तो आपने करंट की जो पोलैरिटी है, जो साइन है, वो पॉजिटिव लेना है, और जब करंट इनवर्ड जाएगा तो आपने साइन नेगेटिव लेना है। इट मींस यहां पर करंट आउटवर्ड जब आएगा सरफेस से बाहर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव लेंगे, और करंट जब सरफेस के अंदर जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अब इसमें टोटल करंट कितना हुआ, अगर मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, तो टोटल करंट हो जाएगा I1 प्लस आएगा, फिर I2 नेगेटिव है और I3 आउटवर्ड है तो पॉजिटिव, तो I1 प्लस I3 माइनस I2। तो ये हमारा एक तरीका हुआ टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज सरफेस निकालने का। ऐसे आप टोटल करंट निकाल सकते हैं, अलजेब्रिकली आपने ऐड करना है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो करंट आउटवर्ड आ रहा है, बाहर आ रहा है सरफेस से, उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे, और जो करंट सरफेस के अंदर जा रहा है उसको नेगेटिव कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सो एक तो पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कि जब हम सोलेनोइड और टोरॉइड की डेरिवेशन करते हैं, जो एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ की, उसमें डीएल की डायरेक्शन क्या लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में जो थीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए एक सिंपल सा साइन कन्वेंशन तरीका आपको बता रहा हूं, वो आप याद रखिएगा। देखिए ये रब कर देता हूं मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द क्लोज्ड कर्व। ठीक है, तो देखिए ये मान लीजिए आपके पास एक क्लोज सरफेस है। ओके, अब यहां पर मैंने आपसे कहा जो करंट है
दैट इज कमिंग आउट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. मैं ऑब्जर्वर हूं और ये एक सरफेस है और यहां पर करंट कुछ इस तरीके से आ रहा है टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, या फिर बोल सकते हैं आउटवर्ड. जब करंट टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर आएगा तो आपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, ठीक है, और इस फिंगर को कर्ल करना है. जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करेगी उसी डायरेक्शन में आपने क्लोज कर्व की डायरेक्शन लेनी है. मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, क्लोज कर्व की डायरेक्शन लेनी है, ठीक है. वो आपने मैग्नेटिक फील्ड वाला भी स्टडी किया है राइट हैंड थंब रूल 10th क्लास में, बट यहाँ पर मैं डीएल की डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ. तो इस सरफेस पर अब देखिए, इसकी जो बाउंड्री है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, वहां पर आप कहीं पर भी एक स्मॉल एलिमेंट डीएल कंसिडर कर सकते हैं. अब इस डीएल की डायरेक्शन आप क्या लेंगे, तो इस डीएल की डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. This gives the direction of DL. तो DL की direction हम ऐसे लेते हैं. So याद रखिए, जब current outward आएगा, towards the observer आएगा, तो आपने curve की direction कैसे लेनी है, anti-clockwise. और जब current inward जाएगा, into the plane of the loop, तो उस केस में आपको current की, sorry, curve की जो direction है, वो आप कैसी लेंगे, clockwise. और यहां पर जब आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ डीएल. सो ये आपको जब हम एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ करेंगे, सोलेनोइड और टोरॉइड वहां पर हेल्प करेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डीएल. अब चलिए प्रूव करते हैं कि जो लाइन इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो म्यू नॉट आई के इक्वल कैसे आता है. तो हमारे जो सीबीएसई सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके दिखाना है, या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या वो म्यू नॉट आई के इक्वल आता है या नहीं आता है, ठीक है. सो लेट अस डू इट्स प्रूफ. So, proof of Ampere circuital law for straight conductor, straight current carrying conductor of infinite length. तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम करेंगे. दिस इज द स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और इस स्ट्रेट कंडक्टर में जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है. अब मैंने आपसे कहा कि इस स्ट्रेट कंडक्टर से परपेंडिकुलर ए डिस्टेंस अवे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करिए, तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे और उसकी डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी. कैसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है. सो आपने जो है कंडक्टर को अपने हैंड में होल्ड करना है और जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनटू द प्लेन जा रहा है, यहां पर क्रॉस आ जाएगा. अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर करेंगे, बिकॉज हमारा टारगेट क्या है, हमारे यहां पर टारगेट है टू वेरीफाई द एम्पियर सर्किटल लॉ. इसका मतलब हम निकालना चाहते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल. सो ये हमने एक यहां पर एम्पीरियन लूप ड्रॉ किया है. एम्पीरियन लूप एक इमेजिनरी लूप है, जैसा गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे थ्री डायमेंशनल हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस, वैसा ही यहां पर एक एम्पीरियन लूप हमने कंसीडर किया अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग. अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर. तो ये डेरिवेशन हम पहले कर चुके हैं लाइव क्लास में. क्या रिजल्ट हमने डेराइव किया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए. ये रिजल्ट हम पहले डेराइव कर चुके हैं, ठीक है. अब हम निकालते हैं लाइन इंटीग्रल फॉर क्लोज्ड सरफेस, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर क्लोज सरफेस. सो इट इज बी डॉट डीएल, ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है. अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, करंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. अगर मैं टॉप सरफेस से देखूं तो करंट ऐसे आ रहा है आउटवर्ड, है ना, करंट ऐसे आ रहा है.
अब थंब को ऐसे किया तो ये देखिए ये आ गया डायरेक्शन ऑफ कर्व, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कर्व भी है, क्लियर। अब यहां पर मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लेता हूं जिसकी लेंथ है dl, और यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो इस केस में अगर आप देखेंगे कि टेंजेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों सेम है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dl एंड दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी हुई, भाई थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और dl दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं। अभी मैंने आपको रूल बताया था कि करंट अगर ऐसे जा रहा है तो आपने कर्व की डायरेक्शन ऐसे लेनी है, और सर्कुलर पाथ पर अगर किसी भी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, वी ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्लिंग ऑफ फिंगर से आएगा। सो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की भी और करंट एलिमेंट की भी। इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। जब हम यहां से डॉट को रिमूव करेंगे तो हम लगाएंगे बी डी एल कॉस 0 डिग्री। नाउ बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस 0 तो 1 के इक्वल होता है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई ए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज द सर्कमफ्रेंस, सो वी राइट हेयर 2 पाई ए, बिकॉज सर्कमफ्रेंस ऑफ द क्लोज लूप इज 2 पाई ए, ए इज द रेडियस। सो 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये प्रूव किया कि बी डॉट डी एल का जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट थ्रेडिंग थ्रू द क्लोज लूप, एम्पीरियन लूप। सो ऐसे हम जो है प्रूफ कर सकते हैं एम्पियर सर्किट लॉ का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड करूंगा, जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा वो होगी एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। पहली एप्लीकेशन हम बात करेंगे सोलेनोइड की, तो उस वीडियो को आप देख के सोलेनोइड के बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप रेगुलर विजिटर हैं तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आपका चैनल जो है फिजिक्स लव वो बहुत ही करीब है 1K सब्सक्राइबर्स के। सो वी नीड योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।